आपको लेकर चलते हैं हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी, जो एशिया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग कैसे, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मेरी वीडियो में आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो गाइस चलिए अब लेकर चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। तो गाइस आप जो देख, तो गाइस हम लोग अभी नालंदा एंट्री कर चुके हैं, तो देख सकते हैं नालंदा गेट। गाइस आप जो देख रहे हैं नालंदा के प्रवेश द्वार से 1 किलोमीटर नालंदा खंडर रह चुका है। यहाँ से आप जो नालंदा खंडर है वो 500 मीटर है, यहाँ से हमें सीधा रास्ता लेना है। हमको बारी था टिकट लेने का, तो हम लोग प्रवेश एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा भीड़ होता है, हल्का फुल्का भीड़ होता है, जैसे आप देख सकते हैं लाइन हल्का था, तो ये लाइन ये लोग ऑलरेडी ऐसे खड़े थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, डायरेक्ट निकल कर डायरेक्ट टिकट की ओर आते हैं, टिकट लेते हैं, फिर टिकट लेने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। पर्सन हम लोग टिकट है, अभी तो हम लोग पता नहीं है कैमरा लगेगा कि नहीं लगेगा, और अब विदेशी हैं तो आउट ऑफ इंडिया से आते हैं तो 600 रुपये पर पर्सन लगेगा। तो देख सकते हैं साल से नीचे की तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। काउंटर है, ये देख रहे हैं टिकट काउंटर, आप आकर टिकट कटा सकते हैं, उसको दिखाइए। टिकट लेने के बाद हम लोग आगे और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बहुत गाइड आपको मिलेगा कि यू नीड अ गाइड लोग बोलते रहता है, तो आप गाइड ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। जैसे हम लोग ने गाइड ले लिया, बिना गाइड लिए आगे की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। बढ़े थोड़ा मोड़ा देखे तो गार्डन थी बीच में, तो हम लोग जैसे एंट्री करने से पहले थोड़ा गार्डन वगैरह देखें अच्छा खासा, तो अच्छा खासा सजावट किया गया था। हम लोग एंट्री जो देख रहे हैं आप, ये गार्डन था, तो मैं जैसे आपको अगले क्लिप में बताया कि गार्डन की हम लोग क्रॉस करके जाते हैं, तो गार्डन था बहुत सारा है, इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिए गए थे नालंदा के बारे में। जैसे आप ये बोर्ड में देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिया गया है, विश्व का या सूच है, मतलब ये जो बोर्ड है बनाया गया था 15 जुलाई 2016 को किया गया था। तो बहुत सारे फैमिली वगैरह आए हुए थे, अपना घूम रहे थे, तो हम लोग खंडर से पहले ही नालंदा खंडर से पहले ही बहुत सारा बोर्ड था, मैं आपको दिखाने की कोशिश किए हैं, तो जितना हमारे तरफ से कोशिश था दिखाने का आप दिखा सकते हैं। आप जैसे स्क्रीन शॉट लेकर इसको देख सकते हैं, नालंदा का पूरा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। तो हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद थोड़ा मोड़ा हम लोग भी पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद हम आगे की ओर निकलते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं गार्डन ये सीधा चला गया, आप जो इमारत और दीवार देख रहे हैं ना, वो दीवार खंडर के दीवार के हैं, तो अगल बगल पेड़ लगा के सो गार्डन तरह सजाया गया था। अब जब खंडर से बाहर आते हैं, हम लोग खंडर इन कर चुके थे, ये गार्ड भी बोलते हैं कि ना आपको गाइड चाहिए, हम लोग बोले नहीं गाइड नहीं चाहिए, हम लोग को आगे का बढ़ते हैं। तो आप जैसे आगे का बढ़ते हैं तो आपको हम नालंदा के बारे में बताएंगे कि यहाँ का ईटा जो था ना गाइस अच्छा सॉलिड ईटा था, यहाँ कैसे हम लोग जो नॉर्मल ईटा होते हैं ना उससे ईटा तगड़ा और मट्टी के द्वारा बनाया गया था ये नालंदा। तो हम लोग इसके बारे में आपको नालंदा खंडर डिस्ट्रॉय कैसे हुआ आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे, तो थोड़ा मोड़ा जितना नॉलेज होगा मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप ये बोर्ड में देख सकते हैं, ये बोर्ड में भी मॉनेस्ट्री नंबर 05 लिखा हुआ था, बिहार संख्या 05 में। तो हम लोग भी कुछ पढ़े हैं हल्का फुल्का, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसको। तो हम लोग इसको पढ़ने के बाद तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम सोचे कि बहुत बड़ा है तो ये डिपार्ट क्या था तो मुझे समझ नहीं आया, कि गाइड रहता तो गाइड आपको अच्छा से इंस्ट्रक्शन देता है गाइस, तो आप चाहे तो गाइड ले सकते हैं चाहे तो ना भी ले सकते हैं गाइस। तो अब देख सकते हैं जैसे एंट्री किए हैं तो उसे हल्का गार्डन से जाया गया था, हम लोग को जाना था, इसमें लिखा था कि मंदिर किस साइड है, किचन रूम किधर था, और मतलब इसमें सब चीज़ दिया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग नालंदा एंट्री करने के बाद आप जो देख रहे हैं ये पुस्तकालय हुआ करता था। तो गाइस तो नालंदा के बारे में मैं आप, भारत में ही दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, हम नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का स्थापना 450 ईसा में हुई थी या हुआ था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। तो प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। को यह जानकर हैरानी होगी कि इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिल एक विशाल पुस्तकालय था। इसमें एक समय में 3 लाख से भी अधिक विद्या किताबें मौजूद हुआ करते थे। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता था। यूनिवर्सिटी में एक समय में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा
अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कैसे हुआ था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को 3 बार नष्ट किया गया था, लेकिन उसे 2 बार ही पुनर्निर्माण कराया गया था, जो कि सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी और उनकी सेना ने प्राचीन यूनिवर्सिटी को नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया था। ये देखिए हमारे रूम में एंट्री करने के टाइम ये दिया रखा जाता था इसमें, ताकि उससे पूरा रूम उजाला रहे, ठीक है। तो ये यहाँ दिया जितने भी रूम में आपको कोने में ये आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया वह काफी बीमार पड़ा, उस कौन बख्तियार खिलजी, तो उसके अपने हकीम से काफी इलाज करवाने के बाद वो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो वो मरण प्राण मतलब मरण स्थिति में पहुंच चुका था। तभी किसी ने उसे सलाह दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल से भृद्ध को दिखाइए और इलाज करवाइए। परंतु खिलजी को इसके लिए तैयार नहीं थे। तैयार क्यों नहीं थे? क्योंकि वो सोचते थे कि मैं भारतीय से इलाज क्यों करा। तो उसके जो हकीम थे, हकीम से तो हो नहीं पा रहा था, इसलिए जो भारतीय वैद उसके हकीम से ज़्यादा ज्ञान रखते थे। लेकिन वो अपना जान बचाने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद विभाग से प्रमुख आचार्य राहुल को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक ऐसा सत्र रख दिया और कहा कि मैंने उसके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवाया नहीं खाऊंगा, बिना दवा के उससे ठीक करना है। तो वैद्यराज ने सोचा कि और उसकी शर्त मान ली, और कुछ दिनों के बाद खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान को लेकर पहुँचे और उसके कुरान को पृष्ठ संख्या इतना से इतना तक पढ़ने के लिए बोला गया और बोले कि आप ठीक हो जाइएगा। अब जो देख रहे हैं ये एक कुआं है। तो पहले जो हम लोग पहले जो नालंदा यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी हुआ करते थे, एक कुआं से ही पानी को निकालना पीना नहाना करते थे। तो कुआं को मैंने दिखाया, इसमें कुछ पैसा भी था जो बहुत जन निकालने की कोशिश कर रहे थे चुम्बक के द्वारा। तो हम लोग ने कुआं आपको सोचा मैं दिखा देता हूँ। हम लोग जो कैमरा टिकट नहीं लिए थे, हम लोग नालंदा खंडा घुस चुके थे, अधिक से ज़्यादा अंदर घुस चुके थे। फिर जो गार्ड थे वो बोले कि आप कैमरा टिकट दिखाइए। रिकॉर्डिंग के लिए आपको क्या पैसा लगेगा? 25 रुपया। 25 रुपये की बात नहीं है गाइस, बात है कि मैंने वहाँ 3 बार बोला कि रिकॉर्डिंग का चार्ज है। तो वो लोगों ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो हम लोगों ने आगे बढ़ गया। तो उसमें इसलिए वो लोग फिर आगे हम रास्ता से रिटर्न होकर फिर वहाँ गए, तब वहाँ तो मैं थोड़ा सा हुआ और रिकॉर्ड मैंने नहीं किया, तो इसलिए सॉरी आपको दिखा नहीं पाया। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट, जब भी आप आ रहे हैं नालंदा खंडर तो कैमरा लेके आते हैं तो ज़रूर टिकट अपना ले लें कैमरा का। तभी हाँ, आपके पास फोटोग्राफी का होगा तो उसका कोई टिकट नहीं लगेगा, वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आपको टिकट लगेगा। आप फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए आपको चार्ज लगेगा। तो गाइज़ आप लोगों को नालंदा खंडर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और गाइज़ आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। और गाइज़ मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, यह हमारे स्क्रीन पर भी शो होगा गाइज़। तो गाइज़ आप लोग नालंदा खंडर अच्छा से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, हर चीज़ A to Z आपको दिखाया है। यहाँ मेन चीज़ 3 पार्ट था, दिखा दिया मैंने, और कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखें। तो गाइज़ चलिए आपको इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।